आज के दिन म्यूचुअल फंड बाजार में कुल 7 एनएफओ हैं। एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानना हो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन 7 एनएफओ में से एक एनएफओ है एचडीएफसी एएमसी का, उसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड। हमारे एक व्यूअर ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि हम एचडीएफसी डिफेंस फंड के एनएफओ पर कुछ बातें करें, लगता है वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बेकरार हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड की के एनएफओ के बारे में, और देखते हैं कि मेरे ओपिनियन में इस फंड में एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसके हम डिटेल एनालिसिस आज करेंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एचडीएफसी डिफेंस फंड का एनएफओ स्टार्ट कब से हुआ। ये स्टार्ट हुआ 19 मई 2023 से और ये चलेगा 2 जून 2023 तक। नंबर दो, ये 2 जून जो है ये प्रीपोन्ड होके ये 30 मई 2023 हो गया, इसका मतलब अब एनएफओ ये 30 मई 2023 को ही ये बंद हो जाएगा। ये थीमेटिक या सेक्टरल फंड है और इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये डिफेंस एंड एलाइड सेक्टर में है। डिफेंस एंड एलाइड सेक्टर मीन्स इन्वेस्टमेंट इन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन एक्सप्लोसिव, इन्वेस्टमेंट इन एलाइड सर्विस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन एरोस्पेस। और यदि हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, इसके पोर्टफोलियो में कुल 21 स्टॉक हैं। उस 21 स्टॉक में से 80% डिफेंस स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट होगा। और यदि कैप वाइज यदि बात करें तो लार्ज कैप आउट ऑफ 21 स्टॉक्स केवल 2 स्टॉक के हैं, मिड कैप के 1 स्टॉक हैं और स्मॉल कैप के 18 स्टॉक हैं। और इसके फंड मैनेजर अभिषेक कपूर हैं जिनका इक्विटी स्पेस में मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं एनालिसिस और डिसीजन लेने की बातें जब करें तो हम देखते हैं पोर्टफोलियो में 80% डिफेंस स्टॉक है। और डिफेंस स्टॉक स्पॉटलाइट में तब आया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4-5 साल पहले मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लॉन्च किया। इसका मतलब उसके पहले डिफेंस स्टॉक कभी स्पॉटलाइट में नहीं रहे थे। ये सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड का मतलब हाई वोलेटिलिटी। नंबर दो, आपने देखा कि 21 स्टॉक में से 18 स्टॉक स्मॉल कैप में है, मीन्स 90% इन्वेस्टमेंट का स्मॉल कैप में है। तो एक तो सेक्टरल, दूसरा स्मॉल कैप में मोर देन 90%, इसका मतलब इट इज क्वाइट वेरी हाई वोलेटाइल। और जब वोलेटाइल होता है कोई स्टॉक्स तो सम ईयर्स इट मे बी ब्लॉकबस्टर, सम ईयर्स इट मे बी आई वाटरिंग। इसका एक लाइव एग्जांपल है कि जिसने 2019 में इन्वेस्ट किए थे स्टॉक मार्केट में और 2020 में स्मॉल कैप आई वाटरिंग हो गया था, और जिसने 2020 में इन्वेस्ट किए 2021 में उनका ब्लॉकबस्टर हो गया। तो आपको ये देखना होगा कि आप जब इंटर करते हैं इन दिस फंड वो ब्लॉकबस्टर होता है या आई वाटरिंग होती है। अब यदि हम बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की तो हम देखते हैं कि पिछले 3 साल का रिटर्न इट इज 63.4% और 1 ईयर का रिटर्न इट इज 48.9% विच क्वाइट गुड, इट अपीयर्स टू बी क्वाइट गुड। और यदि फंड मैनेजर की बात करें, ये फंड मैनेजर के पोजीशन में पहली बार आए हुए हैं, इनको भी टेस्ट होना है कि ये फंड मैनेजर के रूप में कैसे काम कर सकते हैं, कितना सक्सेसफुल होते हैं। इट इज एट टू बी टेस्टेड। शो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी ऑलवेज प्रीफर ट्रस्टेड रूट, जिस रास्ते के बारे में मुझे जानकारी हो हम ऑलवेज कोशिश करते हैं उसी रास्ते पे जाएं, सो दैट मुझे पता है इस रास्ते में क्या सुविधाएं हैं और क्या कठिनाइयां हैं। तो दो चीज देखा, इट इज हाईली वोलेटाइल, फंड मैनेजर इज न्यू, हालांकि डिफेंस स्टॉक स्पॉटलाइट में आया हुआ है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मेरे ओपिनियन में म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि आज आपने आईपीओ खोला, आज लिस्टिंग हुई, आईपीओ में 100 रुपए के स्टॉक्स थे, लिस्टिंग हुई 500 रुपए के,
ऐसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं होता है। यदि यह फंड अच्छा भी हो तो क्या जरूरी है एनएफओ में ही इसको इन्वेस्ट किया जाए? एनएफओ में ऐसा नहीं होता है कि आज ये 10 रुपये का मिल रहा है तो कल इसकी एनएवी जो है एक यूनिट की 15 रुपये हो जाएगी या 5 रुपये हो जाएगी, ऐसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं होता है। नंबर दो, म्यूचुअल फंड का जो असेसमेंट होता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे होता है, इनका कोई हिस्ट्री नहीं है कि आगे ये क्या करेंगे। हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक में कर रहे हैं, सेक्टरल फंड है तो, और इंडिया डिफेंस का निफ्टी इंडिया डिफेंस का इंडेक्स काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर, इस बेसिस पर हम एस्टिमेट केवल कर सकते हैं, बट हमें कोई इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नहीं है। और इन सब के बावजूद यदि आपको लगता है कि हमें इस एनएफओ में लगाना चाहिए तो नेवर गो फॉर वन टाइम, गो फॉर एसटीपी। आप एचडीएफसी के किसी लिक्विड फंड में अपने पैसे पार कर दें जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एसटीपी वे में उनको हर महीने, हर क्वार्टर या हर फोर्टनाइट या हर वीक जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज हैं उसको यूज करके एसटीपी वो दे दें और आपसे बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन स्टिल एनएफओ में प्रीफर कभी नहीं करता। लोगों को लगता है कि ये 10 रुपये की यूनिट है, सस्ती है। जनाब ये सस्ती नहीं है। सोना का रेट 70,000 10 ग्राम का और चांदी का रेट 70,000 का 1 kg। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चांदी सस्ता है तो वो अच्छा है और सोना महंगा है वो खराब है। बाकी निर्णय, अंतिम निर्णय